तो आज हम आपको बताने वाले दोस्तों एक ऐसा फॉल्ट जो कि बहुत ही कॉमन आता है वीडियो कॉन सेटअप बॉक्स में, और इसे हम आपको ठीक करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों आपको किस तरीके से इसे रिपेयर करना है। तो वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, वीडियो में आपको पूरा बताएंगे हम। सब्सक्राइब कीजिए अखिल फ्री डिश को और बेल आइकन दबा के लेटेस्ट वीडियो पाइए सबसे पहले। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए दोस्तों, आज हम आपको कुछ नया तरीका दिखाएंगे और सीखेंगे और सिखाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये लाइट बिलिंग कर रहा है, बन होके चालू हो रहा है, बन होके चालू हो रहा है। तो ये वाला फॉल्ट दोस्तों बहुत कम आता है, इस वजह से मैंने सोचा आपको रिपेयर करके दिखा दूँ। तो चलिए हम इसे खोल लेते हैं दोस्तों, आपको दिखाते हैं किस तरीके से खोलना है और इसके कहाँ कहाँ पर नट होते हैं। आप अगर नए होंगे तो दोस्तों, आपको अगर मालूम है तो कोई बात नहीं दोस्तों। तो यहाँ पर तो एक नट निकाल लिया हमने दोस्तों, यहाँ पर एक स्टिकर लगा रखा है यहाँ पर कंपनी ने वारंटी के लिए दोस्तों। यहाँ पर तो ये तो सेटअप बॉक्स आउट ऑफ वारंटी है, इसलिए हम यहाँ पर से इसे स्क्रू ड्राइवर डाल के इसे खोल लेते हैं। यहाँ पर इसके नीचे इसमें एक स्क्रू लगा रहता है दोस्तों। और दोस्तों ये जो फॉल्ट है तो ये बहुत कम आता है दोस्तों, जो कि हमारा रेड लाइट पे आ जाता है सेटअप बॉक्स, और बिलिंग करने वाला बहुत कम आता है। देखते हैं इसमें क्या निकलता है दोस्तों। यहाँ पर दो स्क्रू लगे रहते हैं दोस्तों, ये भी निकालना होता है आपको। और ये खोल लेते हैं हम, देखिए दोस्तों कितने डस्ट है इसके अंदर। और दोस्तों देख लेते हैं हम यहाँ पर कैसा हो रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये बंद चलो ही हो रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर हमें ये छूने पे दोस्तों, ये दोनों भी कैपेसिटर जो होते हैं ये फूल चुके हैं दोस्तों, ये ख़राब हो चुके हैं। मगर आप बिल्कुल भी स्किप मत करिए वीडियो, वीडियो में और भी कुछ हम बताने वाले हैं ये कैपेसिटर किस तरीके से इसे रिसोर्ड किया जाता है दोस्तों, और इसकी जो वैल्यू है आज हम आपको दूसरी वैल्यू की भी डाल के दिखाएंगे इसके अंदर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, दोनों भी फूले वाले हैं यहाँ पर दो कैपेसिटर। और इस वाले पावर सप्लाई की बात करें तो दोस्तों ये क्या है दोस्तों, तो 12 वोल्ट का पावर सप्लाई है जो कि पावर एडाप्टर में होता है आपके। अगर आप ये पूरा ही डैमेज होता है तो आप उसे भी लगा सकते हैं, जो पावर सप्लाई होता है पावर एडाप्टर में दोस्तों, उससे भी ये चालू हो जाएगा। मगर दोस्तों आपको 2 एम्पेयर में लगाना होता है इसे, और 2 एम्पेयर से कम हो तो ये चलता नहीं है। तो ये वाला पॉइंट तो हो चुका है आपका क्लियर, ये क्या है बता दिया हमने आपको। तो इसे आप देख लीजिए, यहाँ पर से इसके स्क्रू खोल लेते हैं हम। यहाँ पर से 2 स्क्रू होते हैं यहाँ पर दोस्तों, इसे भी निकाल लेना होता है हमें यहाँ पर से। और इसे क्लीन कर देते हैं दोस्तों, जो कि काम करने में आसानी हो जाए। और दोस्तों सफाई के लिए आप इस वाले जैसे ब्रश लीजिए दोस्तों, जो पेंटर के पास में होते हैं उस तरीके से दोस्तों ये अच्छे से साफ कर देता है। इससे कोई चीज़ टूटती भी नहीं अंदर की, जो कि रजिस्टर होते हैं और जो कैपेसिटर होते हैं दोस्तों, ये नरम वाला जो होता है ब्रश से ही आप करिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कितना क्लीन कर दिया है हमने, बहुत ही बढ़िया कर दिया दोस्तों, आपको काम करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो इसे हम निकाल लेते हैं, ये 12 वोल्ट का जॉक है दोस्तों, यहाँ से निकाल लिया है हमने। और ये पावर सप्लाई अलग कर लेते हैं, आपको बताते हैं इसमें कैसे आपको इसका जो कैपेसिटर रिसोल्ड करना है और सोल्डर किस तरीके से करना है, और इसकी वैल्यू किस तरीके से जांचनी है दोस्तों, और किस तरीके से इसे दूसरे वैल्यू का डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे दोस्तों, तो इन कैपेसिटर को हम निकाल लेते हैं दोस्तों, रिसोल्ड कर लेते हैं। आपको बताते हैं हम, यहाँ पर हमने हीटर लगा रखा है हमारा आयरन जिसे बोलते हैं हम, और इसकी मदद से ही निकाल देंगे हम दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो पॉइंट होते हैं उसके ऊपर गर्म करना होता है हमें नीचे से कतील को, और धीरे धीरे हिलाने पे ये निकल जाती है दोस्तों। और यहाँ पर ये कैपेसिटर निकल चुका है दोस्तों, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप उसकी वैल्यू। तो यहाँ पर ये 25 वोल्ट में है दोस्तों, और यूएफ की बात करें तो 680, और इसकी वैल्यू भी आपको चेंज करके दिखाएंगे दोस्तों। अगर इस वैल्यू को आपके पास में है तो कोई बात नहीं दोस्तों, अगर आपके पास में इस वैल्यू को नहीं मिल रहा है कैपेसिटर, तो आपको दिखाते हैं हम किस तरीके से इसे चेंज करा जाता है। तो इसे भी हम पहले निकाल लेते हैं बाजू में। तो जैसे हमने बताया दोस्तों, इसे आप सोल्डर पर गर्म करने पर थोड़ा बहुत हिलाने के ऊपर ये निकल जाता है। तो इस तरीके से इसे निकाल सकते हैं दोस्तों, हम यहाँ पर देख सकते हैं निकाल दिया है हमने इसे भी।
तो आइए आपको हम बताते हैं इसमें कौन से कैपेसिटर डालना है। दोस्तों हमारे पास में इस वाले वैल्यू के सेम वैल्यू के दोस्तों सेम वोल्टेज रेटिंग के हमारे पास में नहीं है दोस्तों, तो हम इसमें आपको दूसरे वाले कैपेसिटर डाल के दिखाते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, ये दोनों भी कैपेसिटर निकाल लिया, और इस बात का ख्याल रहे दोस्तों माइनस प्लस देख के लगाइए आप। अगर आप वोल्टेज सीधे लगा देंगे तो नए कैपेसिटर भी ख़राब हो जाते हैं, जैसे फूल जाते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, हमारे डिब्बे में हमारे बहुत सारे कैपेसिटर है, मगर दोस्तों इस वैल्यू को हमारे पास में एक भी कैपेसिटर नहीं है। तो इसमें हम थोड़ा सा चेंजेस करके दिखाते हैं आपको, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है दोस्तों, मिल नहीं रहा है सामान, इस वजह से हम थोड़ा सा चेंज करके आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर। और आप भी अगर अदर वैल्यू के कैपेसिटर डालना चाहते हैं दोस्तों, तो याद रहे दोस्तों आप वो बात का ख्याल रहे, जहाँ पर वोल्टेज आते हैं उससे थोड़ा बढ़ा के डाल सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसकी कैपेसिटी एंड हो गई थी यहाँ पर, ये क्योंकि 12 वोल्ट का हमारा पावर सप्लाई है, तो यहाँ पर 25 वोल्ट डाल रखे थे पहले से ही। तो दोस्तों हम इसे अब वापस और कम करेंगे, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 16 वोल्ट 470 हम UF डाल रहे हैं यहाँ पर, इसकी कम वैल्यू करके डाल रहे हैं वापस, कुछ फ़र्क होता नहीं, क्योंकि 12 वोल्ट का हमारा पावर सप्लाई है, तो हम इसे 16 वोल्ट तक डाल सकते हैं दोस्तों, या तो 25 वोल्ट तक डाल सकते हैं। तो हमने इसे वापस और कम कर रहे हैं, तो ये चल जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, इस बात का ख्याल रहे दोस्तों। तो यहाँ पर ये कैपेसिटर है दोस्तों, इसे कट कर लेते हैं, हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से डालना है इसे हम यहाँ पर। और माइनस प्लस का बहुत ख्याल रहे दोस्तों, नहीं तो आपके नए कैपेसिटर भी ख़राब हो सकते हैं। तो माइनस की जगह माइनस और प्लस की जगह प्लस देख के ही लगाना होता है आपको। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये माइनस है दोस्तों, जो कि आर्थिंग होता है, आपको ग्राउंड बोल सकते हैं इसे हम। और यहाँ पर थे दोस्तों, जो कुछ भी नहीं आता है तो उसे प्लस करते बोलते हैं हम यहाँ पर। और इस तरीके से इसे डालना होता है दोस्तों, देख दिखा के, और थोड़ा बहुत पेस्ट लगा के दोस्तों इसे सॉल्डर कर लेना होता है, और थोड़ा ऊपर ही रखना इसे। और दोस्तों आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो ऐसे ही वीडियो लाते रहते हम रिपेयरिंग से जुड़े, सेटअप बॉक्स से हम रिपेयरिंग भी दिखाते हैं हमारे चैनल के ऊपर, और हर एक दोस्तों अनबॉक्सिंग भी दिखाते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर हम। तो नए नए सेटअप बॉक्स की दोस्तों, और आपको हम भेज भी सकते हैं यहाँ से, हमारे पास में कुछ सामान लगा तो दोस्तों सेटअप बॉक्स से रिलेटेड हो और डिश से रिलेटेड हो, तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पर हमें कमेंट करिए दोस्तों, कॉन्टेक्ट करिए, और इस वाले वीडियो को लाइक करना भी ना भूलिए दोस्तों। इसे ऑर्डर करना होता है हमें यहाँ पर, और इस तरीके से कटर की मदद से काट लेना होता है। और यहाँ पर ध्यान रहे दोस्तों, सॉल्डर एक दूसरे में चिटके ना रहे दोस्तों, नहीं तो आपका ये पावर सप्लाई और वापस ख़राब हो जाएगा। तो इसे हम लगा लेते हैं यहाँ पर, और देखते हैं दोस्तों चालू हो रहा है या नहीं हो रहा है, और इसके आगे कोई फॉल्ट है कि नहीं देख लेते दोस्तों। इसमें आगे भी कुछ मदरबोर्ड में कोई फॉल्ट है कि देख लेते हैं हम यहाँ पर इसे चालू करके। तो यहाँ पर इसकी पिन लगा दिया है दोस्तों हमने, और दोस्तों ये ओके हो चुका है मेरे हिसाब से तो दोस्तों, जो कि बिलिंग हो रहा है इस तरीके से। पहले तो रेड ही बिलिंग हो रहा था दोस्तों, रेड लाइट के ऊपर बिलिंग हो रहा था, तो यहाँ पर ये ब्लू लाइट आ गया है, तो इसका मतलब होता है दोस्तों ओके, यहाँ पर इसकी बूटिंग कंप्लीट हो चुकी है। और ये तो हो चुका है दोस्तों ओके भाई, तो इसे हम आपको फिट करके इसे चैनल भी चला के दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमने इसे यहाँ पर रख दिया है फिट करके, और टीवी पे आपको इसके वर्क करके दिखाते हैं इसमें दोस्तों। ये बहुत ही बढ़िया चल रहा है दोस्तों, एकदम क्लीन हो चुका है। तो यहाँ पर चैनल भी चल रहा है दोस्तों, यहाँ पर देखिए तो जी टीवी चल रहा है यहाँ पर। तो इस तरीके से इसकी रिपेयरिंग हो जाती है दोस्तों। तो आप भी अगर ये रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर पर जुड़े रहिए दोस्तों, और हमारे कॉन्टेक्ट में जुड़े रहिए, आपको हम ये भी बताएंगे दोस्तों आपको रिपेयरिंग में कोई परेशानी आ रही है तो। मगर दोस्तों 10 से पहले कॉल करिए और 10 बजे के बाद में कॉल करिए सुबह में। आप अगर 12 बजे कॉल करते हैं तो दोस्तों उसका जवाब आपको नहीं मिलेगा, तो इस बात का भी ख्याल रहे दोस्तों, थोड़ा बहुत हमारी भी परेशानी आप ध्यान में रखिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अब इसे कहते हैं परफेक्ट शॉट।